जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसके पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओआरओ और जो भी इनकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआरओ का हो, आरओआरओ हो, ग्रुप सी डी जो भी अभी वैकेंसीज आई हैं उसकी हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, बीपीओ, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। इसमें बेसिकली ये भारतीय इतिहास का ये सार है, रिविज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये जो फैक्ट्स हैं उनके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है, उनके अलावा भी जो भी है वो मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ, ठीक है। ये इसका 15वां वीडियो है, 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिस्ट भी बनी हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई पे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको पूरी लिस्ट जो है, ये पूरी जो प्ले लिस्ट है 1.5 या 1.75 की स्पीड से चला करके देख लेनी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइक शेयर लाइक तो कर दिया करिए यार, ठीक है, शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। इसके पहले का पार्ट मैंने पूरा कवर कर रखा है, इस बार यहाँ से मतलब इस वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एका आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। ये 1921 में ये एका आंदोलन ये शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। बेसिकली ये अवध प्रांत में शुरू हुआ था, ठीक, मदारी पासी और अन्य लोग इसमें जो है ये महत्वपूर्ण लोग थे इसमें नेतृत्व, ठीक है। जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाया गया था, इस वजह से ये शुरू किया गया। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ये सब इसका क्षेत्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि, उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा और 50% से अधिक लगान वसूली, तो इस वजह से ये जो है एका आंदोलन जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। ईयर भी बता दिया मैंने आपको। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ये व्लादिमीर इलियच लेनिन और ये रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखना, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, कब, मार्च 1919 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या रहा है, तो ये 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए ट्रेड आंदोलन के क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले भारतीय कौन थे, तो ये एमएन रॉय थे, याद रखिएगा, ठीक है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी, तो इन्होंने ही की थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक की, याद रखिएगा, एमएन रॉय ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम, याद रखिएगा, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या उसी को हिंदी में भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक। चलिए ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दलों के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मद्रास मजदूर संघ, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी, याद रखिएगा, बीपी वाडिया ने करी थी इसको, ठीक है। भारत का ये प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था, कौन सा, मद्रास मजदूर संघ, ये आधुनिक भारत का मजदूर संघ था ये पहला, ठीक है, प्रथम था ये, 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसने करी थी, बीपी वाडिया ने, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी भी स्थापना 1918 में ही हुई थी, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक। स्थापना का चरण देखिए, इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अटक इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है ये मार्च, कारण क्या रहा, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, तो इस वजह से इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन रहे थे, एन एम जोशी और इनके अन्य सहयोगी, स्थान बम्बई। स्थापना याद रखिएगा 1920 में, पूछता है अटक की स्थापना कब हुई थी, AICTUC ऐसे करके, ठीक है, अटक, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक, सॉरी, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसका विभाजन भी हुआ, प्रथम सम्मेलन, याद रखिएगा, ये पूछता है कई बार कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने करी थी 1920 में, ठीक है। और ये उपाध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, बैप्टिस्टा ये रहे थे। इसका प्रथम विभाजन कब हुआ, ये 1929 में नागपुर अधिवेशन में, और वहाँ पे कौन था जो अध्यक्षता कर रहा था, वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि 1929 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे कुछ, ये रोलेट एक्ट के बारे में देखते हैं, क्या है ये, क्या है, ठीक है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित करी भाई। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट, एक विधेयक पारित हुआ, क्योंकि इस समिति में
वो सिडनी रॉलेट थे, तो उनके नाम पे ही ये रॉलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट वायसराय चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ, ठीक याद रखिएगा। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी। इसमें था कि नो वकील नो दलील नो बेल ऐसे करके कुछ था, ठीक है। इसमें आगे है ये देखिए, ये नो वकील नो अपील नो दलील, ठीक है। ये इस कानून का मतलब पर्पस था, या कह सकते हैं इसका उद्देश्य यही था कि आपको जब चाहे जहाँ चाहे जो है ये उठा के बंद कर देगी ये, ठीक। तो इसका विरोध भी हो रहा था, इसी विरोध के चलते ही जो है ये लोग, ये जो जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार, वो इसी के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से वहाँ पे लोग एकत्र हुए थे और गोलियाँ चलवा दी गई, ठीक है। भारतीय अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम यही था कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने 1919 में रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ किया, ठीक है। ये भी पूछता है 1919 में, याद रखिएगा रोलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, कहाँ कहाँ, एक तो होम रूल लीग चल रहा था उस समय, ठीक है, एक खिलाफत आंदोलन और एक सत्याग्रह सभा, तो पूछता है ये, याद रखिएगा। इसके एक्ट के परिणाम क्या रहे, तो अंग्रेज़ के विरुद्ध एक बड़े जन आंदोलन को चिंगारी दी गई, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में, उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को पंजाब में हिंसा भड़क उठी, 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक। तो ये याद रखिएगा इनको। अब यहाँ पे बताते हैं ये जलियावाला बाग का जो पृष्ठभूमि है कैसे बनी, क्या बनी। 13 अप्रैल 1919 के दिन, ये बैसाखी का दिन था, अमृतसर का जलियावाला बाग था, सार्वजनिक सभा का आयोजन हो रहा था, उसमें ये जो सैफुद्दीन किचलू ऊपर पढ़ा हमने, और सतपाल, डॉक्टर सतपाल की जो गिरफ्तारी है उसके विरोध में, ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए यहाँ पे लोग एकत्र हुए थे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। ये अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल, ये रेगिनाल्ड एडवरी हैरी डायर जिसको बोलते हैं, उसने यहाँ पे भीड़ पे गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे लोग मारे गए थे, हालाँकि जो ब्रिटिश सरकार है उसने बहुत कम लोगों की संख्या जो बताई थी, बहुत कम बताई थी। हत्याकांड की जाँच के लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया था, याद रखिएगा इसको, ठीक। वर्ष 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, इसने बताया दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है, ठीक। इसने क्लीन चिट दे दी थी, याद रखिएगा। डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की एक भूल थी, ऐसा बोल दिया था इन्होंने, ठीक है। इनकी मतलब देख सकते हैं आप किस तरीके का वो उस समय की सोच कैसी थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे क्या रहे, तो जलियावाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन इसमें मेन मुद्दा रहा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था 1919 सितंबर 1919 में, याद रखिएगा। हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी, हकीम अजमल खान ने ये हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। खिलाफत आंदोलन को देश को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोध में कौन था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। इनका मानना था कि ये ना किया जाए इस तरीके का काम। महात्मा गांधी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह भी इन्होंने ही दी थी कि राजनीति में धर्म को आप मत लेकर आइए, ठीक है। शुरुआत में ये जिन्ना के ये वो थे कथन। देखिए हंटर कमीशन जो बना था वो जलियावाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए, उसमें तीन भारतीय सदस्य भी थे, सीएच सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये मतलब इन लोगों की वैसे भी कोई वो नहीं थी, जो होना था वो तो जो ब्रिटिश सरकार चाहेगी वही, ये तो जस्ट एक नाम के लिए इनको वो किया गया था, फॉर नेम से, इनका कोई उसमें रोल ही नहीं था एक तरीके से, ठीक है। जो करना था वो तो ब्रिटिश सरकार ने ही वो बता दिया भाई कि हाँ कोई दोस्त नहीं था उनका, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये जो हैरी डायर था, ये एडवर्ड हैरी डायर, ये जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद इसने इस्तीफा दे दिया, तो इसको क्या क्या देखिए अब मतलब इसको कितना वो किया, मतलब इसको प्रोत्साहित भी किया। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का ये रक्षक कहलाया, ब्रिटिश अखबार में इसको बोला कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक था, मतलब बेगुनाह लोगों को और जो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देना और उनकी जान ले लेना, ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक था, ठीक है। देखिए आप उस समय के ब्रिटिश अखबार की सोच देखिए आप, मतलब कितने नीचे गिर सकते थे ये लोग, कुछ पता ही नहीं है इनको, ठीक है, आप मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है इसको, ब्रिटिश लॉर्ड सभा में, उस समय की जो लॉर्ड सभा थी उसमें ये इसको शेर कहा गया है, देख रहे हैं आप। मान की तलवार, मॉर्निंग पोस्ट अखबार में इसको बोला था मान की तलवार, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नीचता या निकृष्टता की जो हद थी वो पार कर गए थे ये लोग, इनका कोई वो था नहीं,
मानवता नाम की चीज़ इनके लिए थी ही नहीं बेसिकली। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। ठीक है, सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी में ये काम कर रहे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसी के विरोध में दे दिया था। सी शंकरन नायर का नाम याद रखिएगा, पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे कौन था उस समय, ये माइकल ओ डायर था। ये मार्च 1940 में इनको जो है वहाँ पर भून दिया। किसने भूंजा, तो ये सरदार ऊधम सिंह। इनके ऊपर एक मूवी बनी है, देखिएगा, अच्छी मूवी है। इस तरह की मूवी देखा करिए आप लोग, फालतू फंड की मूवी मत देखा करिए। ठीक है, वर्ष 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, कैसे चला था, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, खिलाफत कमेटी बनी, प्रारंभ में इसका प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है, तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली, दो ये अली बंधु थे। हकीम अजमल खान ये इसमें ये प्रमुख सदस्य थे। प्रारंभ करने का कारण क्या रहा, ये देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1915 में ये 1918 में आके जब ये युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन हुआ। तुर्की साम्राज्य के सुल्तान जो है वो इस्लामी साम्राज्य के वो खलीफा होते थे। ठीक है, तो उनको खलीफा का जो मतलब अपमान और ये सारी चीज़ें बचाने के लिए विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे, क्योंकि उनको खलीफा मानते थे, तो उनको बचाने के लिए, उनका मान सम्मान वापस दिलाने के लिए ये खिलाफत आंदोलन ये शुरू किया गया। तो वही चीज़ यहाँ भी हुई भारत में भी। ठीक है, गतिविधियाँ क्या क्या रहीं इसमें, भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया 23-24 नवंबर 1919 को। ये स्थान दिल्ली में ये इसकी जो है वो कमेटी बनी एक, वहाँ पे उसका उसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की। तो ये भी प्रश्न पूछता है ये आयोग। ठीक है, क्या पूछता है कि जो दिल्ली में खिलाफत कमेटी जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता कहाँ करी थी और कब करी थी, दोनों याद रखिएगा। तो दिल्ली में याद रखिएगा, और ये महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को 1919 में। अब आता है इसके बाद असहयोग आंदोलन, चूँकि इसी के साथ ही असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, मतलब शुरू कर दिया था गांधी जी ने। ठीक, तो ये 1 अगस्त 1920 को ये महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में 1920 में। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, प्रस्तावक कौन रहा, तो गांधी जी रहे। इसके विरोध में कौन से रहे पूछता है। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है उसके विरोध में कौन कौन रहे, तो ये उनका नाम याद रखिएगा, सी आर दास, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, ये तीन लोगों का नाम याद रखेगा। ठीक है, फिर वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में 1920 में। ये तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जैसे होता है ना कि मतलब साल में एक तो होना है, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ निर्णय लेने हैं, तो उसमें विशेष अधिवेशन बुलाए जाते थे। तो वही चीज़ है, वार्षिक अधिवेशन लेकिन नागपुर में हुआ, तो वहाँ पर असहयोग प्रस्ताव जो है वो सी आर दास इसके प्रस्तावक बन गए। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने विरोध किया था, लेकिन यहाँ पर ये मान गए। ठीक है, ये ही प्रस्तावक बन गए। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इनको, राय बहादुर, जमुना लाल बजाज को। ठीक है, इन्होंने सब अपना ये जो जलियांवाला बाग और ये सारी चीज़ें हुई थी घटनाएं, उसके बाद ये सब त्याग दिया था इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सफलता इसमें क्या मिली, ये अच्छा, ये तो हुआ, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बीच में ये बंद कैसे हुआ, तो ये फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहाँ पे क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई उसमें। तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली ये लोग भी जो वहाँ पे जो असहयोग आंदोलन वाले लोग थे, उनको मतलब रोका जा रहा था कुछ। ठीक है, उनकी मतलब एक तरीके से उनका शोषण हो रहा था। उन्होंने सिर्फ इस तरीके से मतलब एकदम से अचानक से ऐसे नहीं कर दिया कि जाके आग लगा दी, ऐसा नहीं था। पुलिस द्वारा उकसाया गया और पुलिस ने कुछ ऐसी हरकत करी जिससे कि लोगों में ठेस पहुंची। ठीक है, उसके बाद ही इन लोगों ने ये काम किया और पूरे थाने में आग लगा दी। ठीक है, तो लगभग 23 सिपाही इसमें मारे गए। ठीक है, ये काम हुआ, उसके बाद यही घटना हुई, चौरी चौरा की घटना हुई। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, निर्णय लिया कि भाई नहीं, हम वापस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या हुई, मतलब जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो हट गया एक तरीके से। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश में जनता जो है वो संगठित हुई, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया। ठीक है,
जनता में आज़ादी की एक उत्कंठा जागृत हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसमें। डॉक्टर मुंजे ये कौन थे, इन्होंने क्या करा था, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस लिया था, गांधी जी का मानना था कि अहिंसा मतलब किसी भी कीमत पर गांधी जी अहिंसा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हिंसा उनके जीवन में थी ही नहीं, ठीक है, हिंसा को किसी भी तरीके से वो नहीं अपनाना चाहते थे, नहीं सहन करना चाहते थे, उनका मानना था कि अहिंसा ही है सब कुछ, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने, जैसे ही वो हिंसा हुई, बहुत लोगों ने विरोध किया गांधी जी का, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू और तिलक तो खैर थे ही नहीं, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, इन सब ने विरोध किया, ठीक है। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि स्वराज पार्टी वो बन गई, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन गांधी जी अपने जो सत्यनिष्ठा है उनकी, अहिंसा जो उनका मूल्य था, उसको उन्होंने नहीं त्यागा, ठीक है। हम लोग उदाहरण भी देते हैं एथिक्स में, अगर आपने मेंस पढ़ा है तो एथिक्स में हम लोग सत्यनिष्ठा और मूल्यों पर अडिग रहना, ये हम उदाहरण भी देते हैं, ठीक है, इसको तो ये याद रखिएगा। उसी के जो असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो एक डॉक्टर मुंजे थे, ठीक है, डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे, ये याद रखिएगा, पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन क्या था, विदेशी वस्त्रों को जलाना ये अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि इसका एक कार्यक्रम था, ये असहयोग आंदोलन में ये भी एक कार्यक्रम था, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कुछ रचनात्मक कार्य हुए, कुछ जो है वो विरोधात्मक कार्य हुए, मतलब विरोध करने का काम हुआ। रचनात्मक कार्यों में ये था कि जैसे अगर एक तरफ विद्यालय, जो ब्रिटिश सरकारी जो विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, अगर उनको छोड़कर लोग आ रहे थे, तो दूसरी तरफ ऐसा हो रहा था कि लोग नए नए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना भी हो रही थी। जैसे अब काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई बनारस में 1921 में, वर्ष 1920 में ही गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई अहमदाबाद में, BHU ये पहले ही बन चुका था खैर, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई अलीगढ़ में, बाद में ये दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। तो ये तीन का याद रखिएगा नाम, ये तीन का नाम याद रखिएगा, ये उसी बीच में ये इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। असहयोग आंदोलन से जुड़े जो व्यक्तित्व और उनकी भूमिका क्या रही, तो देखिए महात्मा गांधी तो प्रमुख थे ही उसमें, आंदोलन के पीछे इनकी मुख्य भूमिका इन्हीं की थी। वर्ष 1920 में एक मुख पत्र की इन्होंने घोषणा की, ठीक है। चित्तरंजन दास का क्या सहयोग रहा, तो इन्होंने 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें ये प्रस्तावक थे असहयोग आंदोलन के, इन्होंने प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और इनके तीन सहयोगियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी, याद रखिएगा इनको, ठीक है। कौन कौन थे देखिए, ये मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ सासमल, चटगांव में JM सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, ये थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का क्या रहा, तो ये किसान सभाओं को गठन करने का प्रोत्साहित किया, आंदोलन वापस लेने के महात्मा गांधी के फैसले के खिलाफ थे, मैंने अभी आपको बताया। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। मोहम्मद अली, ये अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी था, ये सब बता दिया उन्होंने। मोतीलाल नेहरू ने अदालतों का बहिष्कार किया, ठीक है। लाला लाजपत राय ने प्रारंभ में आंदोलन के पक्ष में ये नहीं थे, याद रखिएगा, लेकिन बाद में ये वापसी के खिलाफ भी थे कि क्यों वापस ले लिया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में आंदोलन का प्रसार किया, ठीक। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इसको बढ़ाया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। वर्ष 1923 के चुनाव में भाग लेने हेतु कांग्रेस में मतभेद हुआ, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हमें जो है चुनाव में राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हमें विधान परिषद में जाना चाहिए और वहाँ पे बैठ करके जो है वो मतलब नीतियों में और इनमें अपना जो है पक्ष रखना चाहिए। जैसे कि आज देखते हैं आप लोग कि कोई व्यक्ति है या कोई मतलब ऐसी पार्टी है या कोई अपनी पार्टी जैसे बनाना चाहता है तो वो क्यों बना रहा है, क्योंकि वो उस जो नीतियाँ बनानी हैं या जो अच्छा काम करना है तो आप वहाँ से जाके नीति निर्माता बन के ही आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा था। तो एक गुट था अपरिवर्तनवादी, उनका मानना था कि विधान परिषद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनमें थे ये राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और MA अंसारी, ये सब अपरिवर्तनकारी थे। और परिवर्तनवादी जो थे वो लोग थे, उनका मानना था कि नहीं, हमें विधान परिषद में जाना चाहिए, राजनीतिक संघर्ष करना चाहिए, वहाँ पर अपने मुद्दे उठाने चाहिए इस तरीके से, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे जाकर के उठाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। संबंधित व्यक्ति कौन कौन से रहे इसमें, तो चित्तरंजन दास रहे, मोतीलाल नेहरू रहे, ठीक है,
ये सब रहे, इन लोगों का ये चीज़ें इनकी, ये परिवर्तनवादी सोच के थे। तो इन्होंने इसलिए जब बात नहीं बनी तो इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। ये तो ये पूछा भी जाता है, चित्रनंदन दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आता है इसमें, ठीक याद रखिएगा। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या स्वराज पार्टी कह सकते हैं उसको। अब इसके बारे में कुछ कुछ प्रमुख चीज़ें देख लीजिए क्या है इसमें। जैसे तो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही इसकी, तो 1925 में क्या रहा कि विट्ठल भाई पटेल थे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो है वो अध्यक्ष चुने गए, इनका नाम पूछा जाता है। इसकी स्थापना बता ही दिया मैंने। मुख्य उद्देश्य इनका था चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना, ठीक है। वर्ष 1919 के भारत के सरकार, जो सरकार अधिनियम आया था उसका उच्छेदन करना, ठीक है। और संस्थापक ये बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। सी आर दास अध्यक्ष रहे और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव रहे। और अन्य लोग कौन थे, तो ये आयंगर भी थे और एन सी केलकर भी इससे जुड़े हैं, ठीक है याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ था, तो ये 1923 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था याद रखिएगा, प्रयागराज में। वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को ये पारित नहीं होने दिया, ठीक। मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधारों की कमियों को उजागर किया इन्होंने। 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचन युग जो 105 में से 42 सीटें जीती इन्होंने, ठीक है इन लोगों ने, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चित्रनंदन दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, देख लीजिए। चित्रनंदन दास की जो उपाधि थी उनको देशबंधु कहा था। इंग्लैंड से इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी थी। वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता इनकी क्या रही कि अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का इन्होंने बचाव किया था, ठीक है। ये अलीपुर कांड, बम कांड हुआ था उसमें अरविंद घोष को इन्होंने जैसे तैसे जो भी रहा हुआ बहुत अथक प्रयासों से उनको बचाया उसमें से। मोतीलाल नेहरू का देखिए, वर्ष 1919 एवं 1928 के कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी, तो 1919 वाला याद रखिएगा। और 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, इसी में आई थी, ठीक है, 1928 वाले में, ठीक। तो इनको, और बाकी इनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं, ठीक, तो ये याद रखिएगा। 1920 एवं 1930 के दशक के दौरान भारत में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो क्या है कि वहाँ पे एक शून्यता की स्थिति पैदा हो रही थी, ठीक है। और लोगों में ये हो रहा था कि नहीं यार हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लगा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो क्रांतिकारी दल था, जो गर्मजोशी वाले, गर्म खून वाले लोग थे, उनका मानना था कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए और अंग्रेज़ों को जो है वो इस तरीके से शांतिपूर्वक नहीं रहने देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन से के अचानक वापसी से लोगों का मोह भंग कर दिया, ठीक है। लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाया। युवा राष्ट्रवादी स्वराजवादियों के संसदीय कार्य के प्रति आकर्षित नहीं थे, वे प्रति आकर्षित थे कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल बंदी जीवन और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पाथेर डाबी जैसे उपन्यासों और किताबों ने ये मतलब क्रांति को और भड़काया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जॉन सैंडर्स की हत्या कब हुई, तो ये याद रखना, ये लाहौर दिसंबर 1928 में हुई। पृष्ठभूमि क्या रही, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे शेरे पंजाब, जो लाला लाजपत राय हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, ठीक है, और उनका वहाँ पे निधन हो गया। बेसिकली खोप, मतलब सिर पे लग गई या कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसे राष्ट्र का अपमान माना गया। भगत सिंह के नेतृत्व में जो ये जिसने ये करवाया था ये काम, जॉन सैंडर्स, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी, ठीक है, उनसे बदला लिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ उसमें भी ये रहे, सम्मिलित रहे, भगत सिंह रहे, ठीक है। इन्होंने, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच जहाँ थी, मतलब जगह खाली देख करके, वहाँ पे इन्होंने बम फेंका। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रतिरोध, उसके प्रति विरोध जताने हेतु, ठीक है, अंग्रेज़ों में भय उत्पन्न करना, बेसिकली यही मुद्दा था उनका, ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, उसके बाद की गतिविधियाँ क्या हुई, तो बम के आरोपी ये जो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे, इन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दिया, ठीक है। इन्होंने प्रचार और मांगों हेतु ट्रायल कोर्ट का उपयोग किया। बम कांड के आरोपी लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया इनके ऊपर। बेसिकली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राज सुखदेव और राजगुरु, ये तीन लोगों को लाहौर षड्यंत्र के लिए जो है इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में स्थित, जो मतलब प्रयागराज है, पहले तो इलाहाबाद कहते थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क था अल्फ्रेड पार्क में, अभी पहले नाम था अल्फ्रेड पार्क, अभी जो है उसका नाम है
चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आप जाइए कभी वहाँ पर, तो बहुत भव्य मूर्ति लगी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद की, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया था, और जब इनको इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे तो इन्होंने अपने आप को एक ही गोली बची थी और उससे अपने आप को ही इन्होंने शहीद कर लिया। चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था याद रखिएगा, तो ये 1930 में हुआ था। पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारना, चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसने बनाई थी, तो मास्टरदा बोलते थे इनको, सूर्यसेन इनको मास्टरदा भी बोलते हैं। 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार हुए और 1934 में इनको फांसी दे दी गई। छापा सफल रहा, सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ठीक है, यहाँ पे, और 1933 में पकड़े गए और 34 में उनको फांसी भी दे दी गई, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ, ठीक। इनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, या उस नाम से मशहूर थे ये। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की, महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखिएगा। लाहौर में आर्य राजपत्र के संस्थापक संपादक थे ये। हिसार बार काउंसिल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की ये जो अध्यक्ष हैं निर्वाचित हुए, कब, वर्ष 1920 में, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। 17 नवंबर 1928 को अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया और उसमें ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, ठीक है। इनका प्रकाशन क्या कहा था देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन इनका है, द आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ हिंदूज इम्प्रेशन एंड अ स्टडी, यंग इंडिया बहुत पूछता है, ठीक है, एन इंटरप्रिटेशन एंड अ हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, बहुत पूछता है, इंग्लैंड्स डेप टू इंडिया, ठीक है, ये सब पुस्तकें प्रकाशन याद रखना, बहुत पूछता है मैचिंग में, ठीक है। अब ये देखते हैं भारतीय सांविधिक आयोग, साइमन कमीशन जो 1927 में आया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। गठन ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसके 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद इसको उसकी समीक्षा के लिए आया था ये बेसिकली, लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया था, ठीक, तो ये याद रखिएगा 1927 में ही इसका गठन कर दिया गया था प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डिन द्वारा, ठीक। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल जो था उसको नकार दिया था। अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन बोला था, ठीक है, प्रस्ताव दिया था। मौलिक अधिकारों की बात की गई थी इसमें, ये सब नेहरू रिपोर्ट की बात है, ठीक, याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछ भी सकता है। तो कई बार ये पूछता है कि क्या वो ये जो ये था इनका निर्वाचक, पृथक निर्वाचक मंडल था, उसके विरोध में थे या सहमति थी, तो विरोध में थे याद रखिएगा। नेहरू कमीशन में सहमति नहीं दी गई थी, ठीक है। विरोध किसका, इन्होंने इसका जो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था वो देखिए, सभी सदस्य जो है वो गैर भारतीय थे, श्वेत कमीशन भी बोला जाता है इसको। कांग्रेस द्वारा मद्रास में 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आगमन हुआ, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और ये साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है। इसमें कौन कौन था याद रखिएगा, सर जॉन ऑलसेब्रुक साइमन, ये जॉन साइमन थे, इन ये तो अध्यक्ष थे इसके, और अध्यक्ष सहित कुल इसमें 7 सदस्य थे। पूछता है कितने सदस्य थे, 7, यानी कि 1+6 है ना, तो ये याद रखना। उसमें से ये क्लीमेंट रिचर्ड एटली भी एक सदस्य थे, जो बाद में वहाँ के वो पीएम भी बनते हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी वहाँ प्रस्ताव रखा गया 1929 में, उसके बारे में देख लेते हैं। आयोजन हुआ इसका कहाँ पे, दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1931 को मध्यरात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव का गठन किया गया, यहाँ पे पाठन किया गया, तो ये याद रखना। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पाठन ये पूछता भी है कब किया गया, तो ये 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात को, ठीक। घोषित लक्ष्य क्या था भैया, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लिया गया इसमें, तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ये 2 जनवरी 1930 को की बैठक में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही वजह है कि 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अध्यक्ष कौन था ये लाहौर अधिवेशन के 1929 वाले में, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। 1928 में इनके पिताजी थे याद रखिएगा, ठीक है, 1928 में कौन था, इनके पिताजी थे, लेकिन ये 1929 वाले में ये थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे वही दिया हुआ है, घोषित संकल्प देखिए,
कुल में सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की जो योजना है उसको समाप्त कर दिया गया। स्वराज शब्द का तात्पर्य स्वतंत्रता से था, ठीक, तो ये ध्यान रखें। अब आती है बारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ठीक है, जो कि वर्ष 1930 में ये प्रारंभ किया गया। तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या प्रारंभ हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। दांडी मार्च हुआ, ठीक है, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ। और ये कहाँ तक गए थे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, दांडी तक। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने से ये दांडी जो दांडी में गए और एक तरीके से मतलब सांकेतिक रूप से ये नमक बना करके कानून तोड़ा, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। क्या क्या प्रदर्शन हुआ देखिए, तो यहाँ पे चौकीदारी टैक्स विरोध हुआ, ठीक है, चौकीदारी जो है वो टैक्स नहीं देंगे। दांडी मार्च शुरू किया गया नमक कानून के उल्लंघन हेतु, जगह जगह पे लोग गए, ठीक है, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, मद्रास में कोई गया, कोई बंगाल में, कोई असम में, इस तरीके से, ठीक। महात्मा गांधी सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी इन्होंने। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यहाँ पे देखिए घटनाक्रम क्या रहा, 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में डाल दिया गया गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता बने। कौन से नेता, कौन से आंदोलन के, तो यही जो सविनय अवज्ञा वाला था, ठीक है, ये याद रखना, ये पूछता है, ये 5-स्टार टाइप का क्वेश्चन है ये। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, सरोजनी नायडू द्वारा धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया 21 मई 1931 को। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया गया। कौन, किसने बनाया, तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। मणिपुर में ये जिया तरांग आंदोलन चलाया गया रानी गैडेनल्यू द्वारा, ठीक है, नागा जात की महिला थी ये, तो ये भी याद रखिएगा इनको, ठीक है। गांधी इरविन समझौता इसी के तहत किया गया। फिर क्या क्या हुआ इसमें देखिए, मध्यस्थता कौन किया था, तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर का नाम याद रखना, पूछता है ये कि इरविन और गांधी के बीच जो है ये गांधी इरविन समझौते में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी, तो जयकर और सप्रू, इनका नाम याद रखना। दिल्ली में हुई वार्ता फरवरी 1931 में, ठीक है, प्रारंभ हुई। सरोजनी नायडू का कथन था, गांधी और इरविन दो महात्मा, ठीक है, ये कथन पूछता है किसका है, तो ये सरोजनी नायडू का है। समझौते की तिथि मतलब फाइनल कब हुई, तो भैया ये 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित करने को तैयार हो गए। सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से आप मतलब वहाँ पे धरना दे सकते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर के दिए नमक बनाने की अनुमति हो गई, ठीक है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी माना गया, ठीक है। और क्या रहा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्बल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ थे। ये मतलब उन्होंने बोला था कि भैया ये लाभ क्या, ये सांत्वना पुरस्कार था एक तरीके से। वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1923 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन था भैया, तो ये याद रखिएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1930 में ये पेशावर कांड हुआ था, इसमें कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया किसको, तो रचनात्मक कार्यों को इन्होंने शुरुआत करी, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, कब होता है, 1931 में, 29 और 31 मार्च 1931 में। इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उद्देश्य क्या रहा, तो गांधी इरविन समझौते को यहाँ पे मंजूरी देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे अध्यक्षता करी थी। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से ये संबद्ध रहा, ये भी बहुत पूछता है, याद रखिएगा 5-स्टार। गांधी जी का कथन रहा कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, इसी में कहा था। पूछता है किस कथन, कहाँ पर कहा था ये, तो कराची अधिवेशन में 1931 में। प्रथम अवसर था जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज यहाँ पे परिभाषित किया गया, ठीक है, बताया गया कि भैया पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर यहाँ पे संकल्प लिया गया और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रारूपित किया गया, ठीक, ये याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज तथ्य देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा था। ये पूछता है कि किसका कथन है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है ये, ठीक है। देखिए पूर्ण स्वराज यहाँ पे देखते हैं विशेष तथ्य क्या है, तो मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,
सभी धर्मों के संबंध में राज्य की तटस्थता, जाति पंथ लिंग पर ध्यान दिए बिना कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता के बुनियादी नागरिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चुनाव आधार पर चुनाव, कृषि ऋणग्रस्तता से राहत, सूदखोरी पर नियंत्रण, निर्वाह मजदूरी के साथ श्रमिकों हेतु बेहतर स्थिति, ठीक है, श्रमिकों और किसानों आदि के संगठित करने पर और संघ बनाने का अधिकार थे। ये सब था जो पूर्ण स्वराज का जो यहाँ पे बोला गया था, ये 1931 वाले में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए अब प्रथम गोल में सम्मेलन में क्या हुआ और द्वितीय में पहले में तो भाग नहीं ली थी कांग्रेस ने, पहले में भाग नहीं लिया था, ठीक है, इसका ऐसे याद रखना। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ, दूसरा जो हुआ 1931 में हुआ और तीसरा जो हुआ 1932 में हुआ, ठीक है, तो ऐसे याद रखना तीनों। तो पहले में क्या हुआ, तो ये आयोजन इसका 1930 में हुआ और 31 तक चला, लंदन में हुआ, लंदन में तीनों ही हुए थे। विशेष इसमें क्या रहा कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केटी पाल ने किया था, पूछता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन रहे, तो उस समय के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। सम्मेलन का उद्घाटन ये जॉर्ज पंचम ने किया था, ठीक। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम में कौन कौन गए थे, देखिए, तो तेज बहादुर सप्रू गए थे। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 89 थी, ये याद रखिएगा, 89 लोग गए थे। एम आर जयकर हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए और बी एस मुंजे, ठीक है, ये सब लोग गए थे प्रथम उसमें, लेकिन कांग्रेस ने मतलब अपने तरफ से नहीं लिए वो किया था, ठीक है। तृतीय वाला देखिए, अच्छा द्वितीय वाला पहले देख लें, द्वितीय का है इसमें दिया हुआ, हाँ ये दिया हुआ है ना, द्वितीय का, द्वितीय गोल में सम्मेलन देखिए, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। प्रमुख भागीदारी कौन कौन गया था इसमें, देखिए भैया, सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग गए थे, इनके साथ ही महात्मा गांधी तो गए ही थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो है ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, SS राजपूताना जलपोत से गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। ये सब पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन है ये, समझिए। स्वदेश वापसी पर महात्मा गांधी का क्या बयान था, तो इन्होंने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो ये याद रखा, ठीक है, कहाँ कहाँ गया और किसने कहा था ये ध्यान रखिएगा। तीसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1932 में हुआ, ठीक है, इसमें कांग्रेस नहीं पार्टिसिपेट करी, ठीक है, कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई इसी में और पूना पैक्ट भी हुआ। क्या चीज़ें थी, देखिए, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कि सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, ठीक है, कब किया, अगस्त में। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया और इनके लिए अलग से निर्वाचन आयोग वो बना दिया, बोला कि ये भी जो है, जैसे कि उनका था ना अलग से निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों का, वैसे ही इनको भी कर दिया, दलितों का भी। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध में ये शुरू कर दिया इन्होंने। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ, ठीक है, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं, यरवदा समझौता भी कहते हैं उसको, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। कब हुआ था ये, तो ये 1932 में हुआ 24 सितंबर को। कौन कौन हस्ताक्षर किसने किया था, देखिए, तो दलितों की ओर से तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, हिंदुओं के मतलब इधर जात से ये मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था, याद रखिएगा, ये कई बार कथन में दे सकता है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण फिर इसके बाद शुरू हुआ था, जब वहाँ से लौट के आए थे, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आए थे तब शुरू किया था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। गांधी जी समेत अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्शल लॉ स्थापित करने हेतु अध्यादेश पारित किया गया। वर्ष 1934 में गांधी जी द्वारा ये आंदोलन जो है ये पूर्ण रूप से वापस ले लिया गया। तो ईयर याद रखिएगा, कब लिया गया, 1934 में। वापस लेने का कारण क्या था, तो लोगों को अगली लड़ाई के लिए आराम करने और फिर संगठित होने की आवश्यकता थी, ऐसा इनका मानना था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये लगभग यहाँ तक ख़त्म हो गया आपको, हमने मतलब पूना पैक्ट तक तो ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, आधुनिक भारत। तो बहुत थोड़ा ही बचा हुआ है, जो भी होगा 20-25 पेज उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एक दो वीडियो और बनेगा इसका, उसके बाद ये पूरा आपका हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।